क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे डेवलपमेंट होगा, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जब मिलेंगी तो और लोग बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे लड़कियों को पढ़ाने का। और भी लोग हैं, आप बताइए। जी, जैसे मेडिकल हो गया, आईएएस पीसीएस, अब तो लड़कियां हर क्षेत्र में कितना अच्छा कर रही हैं, ब्रिलियंट परफॉर्म कर रही हैं, एंड आई होप इस चीज में भी लड़कियां बस आगे बढ़ती रहें, और अब मुझे और सिक्योर फील होगा, क्योंकि लड़कियों को नई नई अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे मिलती ही जा रही है, बिल्कुल मेन की तरह, और मैं इसीलिए बहुत प्राउड फील कर रही हूं। तो अब इस पहल के बाद आपका भी मन कर रहा है कि मतलब इरादा बदल के फिर से सेना में? जी बिल्कुल, हो सकता है, अभी तो फिलहाल मैं मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बट हाँ हो सकता है बिल्कुल। तो इरादा भी बना हुआ है, और जो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण का जो संदेश है वो जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये इसके लिए मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि इससे महिलाओं को एक स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी मिलेगी। बिल्कुल, स्ट्रेंथन जो है वो महिलाएं होंगी यहाँ पर, जो यंगस्टर महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं वो बड़ी होंगी तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी होंगी, वो चीजें जो है वो पहले से ही डेवलप हो जाएंगी। हमारे साथ कन्हैया भी इस वक्त बने, कन्हैया का भी हम रुक कर लेते हैं। कन्हैया, एक बार फिर से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, हम ये समझ रहे हैं लगातार कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से इन बच्चियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनका क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें, और रहा भी है जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल रहा है, और खास दिन आज इसलिए भी है कि पूरे दिन आज महोत्सव के रूप में 3 दिन से कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम राजनेताओं की मौजूदगी में जब देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का आज उद्घाटन हुआ और आज सभी लोगों को ये समर्पित किया गया है, तो काफी खुशी का आज दिन है, और सभी जो टीचर है यहाँ पर मौजूद है, और खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी, और जब गर्ल्स की भागीदारी आने वाले समय में देश देखेगा, और वृंदावन से एक नई नीम यहाँ से रखी गई है, तो बात करने की कोशिश करते क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, और अधिकतर संख्या महिलाओं की दिख रही है, तो कैसा खास दिन है आज आपके लिए, और कैसे कहना चाहेंगे सभी देशवासियों? हम गाके सुनाएंगे। जी बिल्कुल, गाके सुनाइए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, दिल से आए जो ये चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की जय। देखिए काफी उत्साह है, और बिल्कुल काफी उत्साह है आज यहाँ पर, किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, और भारत के लिए जो प्रेम है वो निस्वार्थ तरीके से हर किसी के मन में झलकता है यहाँ पर। कैप्टन साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। कैप्टन श्वेता, हम ये देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा, और लगातार लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह बने हुए हैं, कि रास्ते भी खुल रहे हैं, और जो कह सकते हैं एक माइंडसेट था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जब इस तरीके की चीजें सामने आएंगी तो अब शायद पेरेंट्स भी कहेंगे कि हो सकता है, हो पाएगा, और संभावनाएं, आशाएं जो है उनके लिए भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो जो एरिया था, वो जो दायरा था, वो काफी खुल जाएगा। जी देखिए, मैं अभी कल ही बात कर रही थी, एक सैनिक स्कूल झांसी में खुला हुआ है, वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे बात कर रही थी। वहाँ पर देखिए, सैनिक स्कूलों में पिछले 2 सालों से लड़कियों को लेना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरा फुली डेडिकेटेड ओनली गर्ल्स सैनिक स्कूल ये पहला है। ठीक है, तो जो पहले जो गर्ल्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके बारे में बताती हूँ। प्रिंसिपल मैडम जो बता रहे थे कि जब कोई यूनिफॉर्म में लेडी आती है तो ये छोटी छोटी लड़कियाँ इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती हैं, किसी एयरपोर्ट ऑफिसर जो लेडी ऑफिसर को देखती हैं या उसकी बातें सुनती हैं, आर्मी ऑफिसर जो लेडी आती है सैनिक स्कूलों में बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं, यूनिफॉर्म में जो ऑलरेडी सर्विंग लेडी ऑफिसर्स हैं उनको बुलाते हैं मोटिवेट करने के लिए यंग लड़कियों को, तो अपने इन रोल मॉडल्स को देखकर वो इतना ज्यादा मोटिवेट होती है और इतना ज्यादा वो वैसा ही बनना चाहती है। ये एक एग्जाम्पल है कि भाई अभी जो ऑलरेडी लड़कियां हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं कि वो मोटिवेट होती हैं और वो पढ़ना, वो देश की सुरक्षा एजेंसियों को ज्वाइन करना चाहती हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं, एयरपोर्ट ऑफिसर बनना चाहती हैं। अब जब सिर्फ गर्ल्स के लिए जब स्कूल खुलता है तो वहाँ पर सोचिए कितनी लड़कियाँ हैं जो रोज इस तरह के रोल मॉडल्स को अपने आगे देखेंगी, इस तरह के रोल मॉडल्स को बुलाया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, और सोचिए कितनी लड़कियाँ मेन स्ट्रीम जो
फोर्सेज हैं उसमें ज्वाइन करेंगी और मेन स्ट्रीम फोर्सेज में अपनी सर्विसेज देंगी, और उससे जो इक्वालिटी है, जो डाइवर्सिटी है फोर्सेज की, वो कितनी ज्यादा एम्पावर होगी और कितने ज्यादा जो महिलाएं हैं वो फोर्सेज में आएंगी, और जिसकी वजह से एक बैलेंस सोसाइटी बनेगी। कदम एक छोटा सा लगता है कि एक स्कूल है जो सिर्फ महिलाओं के लिए, लेकिन अल्टीमेट जो होगा, जो अचीवमेंट होगा, एक बैलेंस सोसाइटी की तरफ जो हमारा जो एस्पिरेशन है कि जहाँ पे महिलाएं और पुरुष बराबर से हिस्सा ले रहे हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में, वो संभव हो सकेगा। बिल्कुल मैम, इक्वालिटी की बात जो आपने की वो बहुत जरूरी है, और बैलेंस जो है वो भी आना बहुत जरूरी है, और संभव है ये जो चीजें हो रही है बहुत प्लस पे है, बहुत पॉजिटिव वे में है, और काफी कुछ बदलाव इससे निश्चित ही आएगा। बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन श्वेता, नीतीश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कन्हैया आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।